सारे दिन में सरना है कि आप छोड़ दो ठीक है ना हम तो आप समझा स्कोर कितना है कोई का समझाओ थोड़ा ये एक आधा ले लूं नदलपुर गांव के नए सरपंच हमारे बीच पहुंचने वाले हैं वेलकम टू नादर ब्लॉग। सो आज इलेक्शन को रिजल्ट आने वाला है और गांव सदलपुर आदमपुर विधानसभा को सबसे बड़ो गांव सबसे बड़ी पंचायत और ते भी भीड़ू अंदाजो लगा लियो भी कत्तो मोटो गांव है बिंगो मुखिया आज सदलपुर गांव चुनने वाला है। ऑलमोस्ट रुझान आ चुके हैं कि नत्थूराम जी SDO है पूरा रिटायर्ड SDO हैं वो सरपंच बनने जा रहे हैं। फिर भी एक औपचारिक जो है घोषणा है वो होनी बाकी है और ये बूथ नंबर 12 की भी जो मशीन है EVM मशीन है वो आ गई है और ये बाहर भीड़ देख लो थे इंतज़ार करते हुए माहौल बन रहेगा मैं देख लो किस तरह से सदलपुर गांव की जनता टकटकी लगाए खड़े हैं स्कूल के सामने और इंतजार कर रहे हैं अपने मुखिया का कि वो बाहर आएं और उनका स्वागत करें। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है भीड़ पीछे तक ऐसे ही है पुलिस अलग ही है सुरक्षा मुहैया करवा रही है साथ चलना है किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है चुनाव में हार जीत होती रहती है इसलिए सबको पुनः नम्र निवेदन है कि वो शांति बनाए रखे प्रेम भाव से सबके साथ चले। राजेश जी फ्रेंडली एक बार माइक के पास आए और गांव को संबोधन दे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र जी परम आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साहब और प्यारे बच्चों ये बहुत ही सभ्य और शांति का चुनाव था भाईचारे का चुनाव था और इसमें आपके परम आदरणीय सरपंच महोदय जी जो गांव के बने हैं वो हम सब के सांझे बने हैं और कभी भी कोई भी काम सर्व साहब से हो तो आधी रात आपको हथियार मिलेंगे तो गांव पूरे गांव का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तन मन और धन से पूरी लगन और मेहनत से ये चुनाव जीता आपका बहुत बहुत आभार। हेलो सबको शांति बनाए रखनी है गांव की तरफ से हेलो सबको शांति बनाए रखनी है सदलपुर गांव विकास के लिए जो भी काम होगा उसके लिए नत्थूराम जी 24 घंटे आपको तैयार मिलेंगे इसके लिए आपको मुझसे निवेदन है जो भी काम होगा उसके लिए इंद्र भूनिया और नत्थूराम जी गांव के हर हर घर में पानी देने का वादा किया हुआ एक साल में पूरा करके दिखाएंगे आपको और जो भी खाड़ के काम है वो भी अधूरे नहीं रहने दें कम से कम 500-600 एकड़ के जो खाड़ है वो भी पक्के करवाए जाएंगे जो भी रास्ते कच्चे हैं वो भी 2 साल के अंदर अंदर पूरे गांव के अंदर जो काम करवाएंगे उसके लिए गांव का पूरा सहयोग लिया जाएगा। इसमें किसी को संकोच नहीं करना है जिसने वोट दिए हैं नहीं दिए हैं वो कोई संकोच ना करे और गांव के सभी लोगों ने वोट दिया है तभी सरपंच बने हैं इसके लिए गांव का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करने हैं। शांति बनाए रखे आराम से चले किसी को कोई गलत नहीं बोलेगा आराम से चले जो भी साथ चुनाव लड़े हैं वो सभी अपने गांव के ही हैं अपने भाई हैं। हार जीत तो देखो एक वोट से हार होती है एक वोट से जीत होती है तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार हर साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा भाईचारे का चुनाव लड़ा देख लो अभी तक
लोग ऐसे ही हजूम है वो बढ़ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं स्कूल के बाहर और साथ के साथ लोग जश्न भी मना रहे हैं साइड में। तो देख रहे हो डीजे चल रहा है, लोग नाच रहे हैं और पूरी भीड़ है, पुलिस है वो अपना काम कर रही है। आप दूसरे के हाथ में आप कौन को खुद ले जाओ, आपने खुद कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करो सर आप हटाई हटी जी पब्लिक है फेको हम तीन चले जाएंगे 2 बजे बाद, 18 गाँव का 18 बजे का हमें एक बार के लिए तो पुलिस ने गेट थोड़ा खाली करवा दिया है ताकि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो भी बाहर आ चेक सकें और जो जीते हुए सरपंच हैं नथुराम जी वो भी बाहर आ सकें। अभी जो दूसरे नंबर है सतपाल पूनिया भाई सतपाल बाहर आए हैं। बहुत बढ़िया टक्कर दी, 2206। ये लो भाई आधिकारिक पुष्टि हो गई है, 2206 वोटों से सदलपुर गांव ने अपना नया मुखिया चुन लिया है, श्री नथुराम जी रिटायर्ड SDO सदलपुर गांव के आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सरपंच बन गए हैं। Oh,
जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, सदलपुर गांव के नए सरपंच। अभी देख सकते हो आप भीड़ कितनी है। गांव का एक तरफा समर्थन आप देख सकते हो, कितने लोग आज उनको इंतजार कर रहे थे उनके बाहर आने का। और सदलपुर के इतिहास की सबसे बड़ी जीत, और इसका श्रेय जाता है पूरे सदलपुर गांव को, जिन्होंने एक एक वोट दे करके इस जीत में अपनी भागीदारी है वो दिखाई है। और अभी जो है सदलपुर गांव के नए सरपंच निकल चुके हैं गाड़ी में बैठ करके, सर्वप्रथम जो गांव का गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है उसमें माथा टेकने के लिए। तो ये सदलपुर गांव के लिए बहुत ही खुशी का माहौल, और सबसे अच्छी बात रही कि जो पूरा चुनाव है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और अभी पूरी जो लोग हैं वो मंदिर की, गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये तस्वीर है, ये है सदलपुर गांव के गजम्बेश्वर मंदिर की। बहुत अच्छे तरीके से एक सभे आदमी को चुनाव में जीत दिलाई है, तो इसके लिए पूरे गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मेहरबानी। और बाकी थे जे सब्सक्राइब नहीं करे है तो बिश्नोई व्लॉग्स थारो ही चैनल है, इन सब्सक्राइब कर दो और ये बटन दबा दो।